Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the video session of Kentuck Publishers. Before going into the topic, let's first make sure that you are having the book of General Science Grade 5 in your hand, and along with that the summer pack as well. All the concepts being discussed in this books are replicated and given in detail in the summer pack. Summer pack is for the summer vacations. All the tasks are given here. Beside this, if you need further help, then you can download the resource pack, which includes all the solutions of the exercises of the textbook. Dear students, the chapter Properties and Behavior of Light mein humne luminous, non-luminous, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में, और उसके बाद हमने इक्लिप्सिस देखी, उसके बाद हमने पिन होल कैमरा देखा. चूंकि सोलर सिस्टम में ये सारी चीज़ें आती हैं, आज हम पढ़ेंगे फेजेज ऑफ मून. मून के कितने फेजेज हैं और किस तरीके से हमको नजर आती है. नंबर वन, यू ऑलरेडी नो के ये जो मून है ये अर्थ के गिर्द घूमती है, ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ. और ये क्या है, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, यानी ये खुद ब खुद अल्लाह ने बनाया है और ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है. द मून रिफ्लेक्ट्स, यानी मून की अपनी कोई लाइट नहीं है और वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हमें नजर आता है. एक और चीज, मून का वो वाला फेस जो कि सन से अपोजिट है वो डार्क है. हमें जो इसका वो फेस जो ब्राइट है हमें नजर आता है, उसके आठ फेजेस हैं. और ये एट फेजेस जो हैं ये कंप्लीट करता है 29.5 डेज में, यानी 29.5 डे में ये कंप्लीट करता है. और इस कंप्लीट करने के बाद इससे एक महीना होता है, पूरा महीना, और इस महीने को हम क्या कहते हैं, लूनर मंथ. एक तो हमारी है जो आप लोग जिसको फॉलो करते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर उसके बाद 30th, और कुछ महीनों में जैसे फरवरी में 28 दिन होते हैं, जब लीप का साल लीप ईयर होता है तो 29 हो जाते हैं. अदरवाइज यानी कुछ मंथ ऐसे हैं जो 30 डेज के होते हैं, कुछ मंथ 31 डेज के होते हैं, एक्सेप्ट फरवरी. ये जो होता है ये 29.5 डेज का होता है. ये एक अलग कहानी है प्यारे बच्चों. ये 8 फेजेस कौन से हैं? फेज नंबर 1 है नीव मून. ये नीव मून में हमें मून बिल्कुल नजर नहीं आता. ड्यूरिंग दिस फेज द साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज नॉट एलिमिनेटेड. वो जो डार्क साइड है वो है, और इसमें ये टोटली इनविजिबल होता है. जब मून हमें नजर नहीं आता, आप लोग जब ईद का इंतजार करते हैं, और यानी जो शहादतें गुजरती हैं, लोग कहते हैं मैंने मून देख लिया, और उसके बाद खतीब साहब ऐलान करते हैं इस्लामाबाद से, तो इस प्रोसेस को किस चीज को देखते हैं, वो न्यू मून को देखते हैं. वो जैसे ही थोड़ा सा नजर आने लगता है तो उसको हम वैक्सिंग क्रेसेंट कहते हैं. During this phase, moon small portion is beginning to show. बारीक सा हमें नजर आने लगता है. ये बारीक नहीं होता, बाकी छुपा होता है, हमें छोटा सा नजर आता है. और ये this is the start of the month. और उसके बाद कुछ अरसे बाद first quarter means 1 और 4, यानी अगर ये 29 है तो almost 7 और 8 के बीच डेज में क्या होता है, ये आ जाता है, गुजर जाते हैं. और इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मून इविजिबल ओनली फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द इवनिंग. फर्स्ट हाफ का हाफ होता है 1 और 2 पार्ट हमें नजर आता है, और उसके बाद मतलब हाफ मून हमें नजर आती है इस वक्त, क्योंकि एक फेस तो डार्क होता है, जो फेस होता है उसका भी हमें आधा नजर आता है 1 और 2. अच्छा, उसके बाद क्या होता है, वैक्सिंग गिबस. हमें आपको सारे पिक्चर्स दिखाऊंगा. ड्यूरिंग दिस फेज मोस्ट ऑफ द मून इज विजिबल. ड्यूरिंग दिस फेज मून रिमेन इन द स्काई मोस्ट ऑफ द नाइट. यानी जो क्रिसेंट वाला था वो कम वक्त के लिए आ जाता है, फिर गायब हो जाता है, लेकिन जब यहां पे आ जाता है तो वैक्सिंग गिबस में ज्यादा टाइम तक मून हमें रात के वक्त नजर आता है. उसके बाद बारी आती है फुल मून की, जिसका आप लोग इंतजार करते हैं.
चौधरी का चांद जो ब्राइट होता है. When we see entire face of the moon in the sky, it is called as full moon, and it remains in the sky for full night. और मुझे याद है full night में हम बाहर निकल के cricket खेला करते थे. और आपको पता है जिस तरह आप stadium में हो और flood lights हो, इस तरीके से ये full moon हमें नजर आता है. लेकिन after some time again ये waning gibbous आ जाता है, डूबने शुरू हो जाता है. During this phase moon is getting smaller. Instead of seeing more, we can see less and less of the moon each night. कम से कम होता जाता है और लास्ट क्वार्टर में भी बहुत कम नजर आता है. ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर वी कैन सी हाफ ऑफ द मून्स लाइटन सरफेस, आधा हो जाता है लास्ट क्वार्टर, राइट. और वेनिंग क्रेसेंट, एक वो क्रेसेंट था जो राइजिंग था, राइट, वैक्सिंग था. अब ये क्या है, ये वेनिंग क्रेसेंट है. फाइनली ड्यूरिंग द वेनिंग क्रेसेंट वी कैन सी जस्ट अ स्मॉल मून ओनली जस्ट बिफोर मॉर्निंग, यानी एंड में नजर आता है. जब ये आ रहा था तो शाम के वक्त नजर आया था, और जब ये जा रहा है तो सुबह सवेरे थोड़ी देर तक हमें नजर आता है. प्यारे बच्चों, ये इसका फुल पिक्चर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और खूबसूरत सा डिटेल से बताता हूं. मुझे यकीन है यू विल लव इट. बट बिफोर दैट सी फॉर द इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन. डू यू नो मून हैज मच वीकर ग्रेविटी देन अर्थ ड्यू टू इट्स स्मॉल मास, सो यू वुड वे अबाउट 1/6 ऑफ योर वेट ऑन द अर्थ. यानी आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर. तो अर्थ चूंकि ज्यादा है, वजन ज्यादा है, तो वो ज्यादा जोर से खींचता है एज कंपेयर टू मून. या आप हायर क्लासेस में ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे. से दिस वन माय डियर स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू एंड दिस इज द वन, कौन सा वाला, न्यू मून, जो कि फुल डार्क है. एंड नीचे देखो प्यारे बच्चों, इसमें दिस वन इज कॉल्ड एज वैक्सिंग क्रेसेंट मून, राइट. और ये पहली बार हाफ नजर आया है, क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून इसमें बहुत खूबसूरत है. और उसके बाद यानी ये बढ़ गया, कितना हो गया, वैक्सिंग गिबस मून, वैक्सिंग गिबस मून. और जहां पे पहुंच के ये फुल मून हो गया, और पूरी रात, ये बहुत कम टाइम के लिए शाम के वक्त, और ये आधी रात होता है, आधी नहीं होता, ये भी ज्यादा टाइम रहता है. ये फुल रात, फुल द होल नाइट, और फिर कम वक्त के लिए और उससे कम आधा नजर आता है. और इसको सिर्फ सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग थोड़ा सा हमें नजर आता है. सी कौन कौन से स्टेजेस हैं, नंबर 1 न्यू मून, नंबर 2 वैक्सिंग क्रिसेंट, नंबर 3 फर्स्ट क्वार्टर, नंबर 4 वैक्सिंग गिबस, नंबर 5 फुल मून, नंबर गिबस मून, नंबर 6 एंड नंबर 7 इज लास्ट क्वार्टर हाफ मून, एंड नंबर 8 इज वैक्सिंग वेनिंग क्रेसेंट मून. सो माई डियर स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट इट. अब मैं एक और खूबसूरत लाइवली इसका आपको शेप बताता हूं कि ये किस तरह मूव करता है. ओह लुक एट दिस, अ ब्यूटीफुल वन, ये ऐसे मूव करता है, देख रहे हो इसकी ये शक्लें बदलती हैं. और यहां पे आपके लिए, ताकि आप लोग इसको भूल ना जाएं, जो बारीक सा था स्टार्टिंग था वैक्सिंग क्रेसेंट, फर्स्ट क्वार्टर वाला ऐसे, ये देखे शेप चेंज होता रहता, फुल हो गया, अब इन्वर्टेड दूसरे साइड पे, और फिर लास्ट हाफ, और ये वेनिंग क्रेसेंट. सो माय डियर स्टूडेंट, स्टेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 और जब ये एक चक्कर मुकम्मल हो जाए तो ये 29.5 डेज. और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लूनर मंथ. सो माय डियर स्टूडेंट, यू हैव सीन द 8 फेजेस ऑफ मून, और बहुत खूबसूरत, बहुत इंटरेस्टिंग, एंड आई एम डेम श्योर दैट यू विल रिमेंबर. होमवर्क जरूर इसको देखना है, टेक्स्ट मैंने नहीं रीड किया आपके साथ, यू हैव टू गो थ्रू द टेक्स्ट एज वेल एंड कंप्लीट इट. और एक बार इसकी जो फिगर है इसको जरूर अपनी नोटबुक में बना दें, इन ऑर्डर टू शो इट टू योर टीचर. बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.